दोस्तों, अगर आप भी स्टीव स्मिथ रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप 2023 में फाइनली अपनी टीम की पहली जीत दर्ज करने के बाद ना रो पड़े स्टीव स्मिथ अपने बयान में, लेकिन जाते जाते भारत देश के लिए, भारतीय टीम के लिए कुछ ऐसा कह गए कि 100 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया। स्टीव स्मिथ के इस नायाब बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम ना पॉइंट टेबल में सबसे नीचे घूम रही है, वो भी उन टीमों के साथ जो वर्ल्ड कप कम से कम खेली है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार हार रही थी, लेकिन आज इस हार पर अंकुश लग गया है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का ये 14वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम के बीच में लखनऊ के मैदान में खेला गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में पहले भी कई मैच हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात ही कुछ और थी। आज कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना मैदान पर केवल जीतने और जीतने के लिए आई थी। इस मैच में दोस्तों श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन अफसोस कप्तान कुशल मेंडिस का ये फैसला उन्हीं के खिलाफ चला गया। देखिए, श्रीलंका की शुरुआत तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, निसंका के 61 रन और कुशल परेरा के 78 रन इस टीम को इतनी तगड़ी शुरुआत दिला चुके थे कि भाई 21वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा था, लेकिन ऐसा विकेट गिरेगा पहला कि उसके बाद बाकी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, ये भला किसे पता था। दोस्तों, निसंका का विकेट कमिंस ने लिया, वार्नर के हाथों वो कैच आउट हुए, उसके बाद कमिंस ने कुशल परेरा को बोल्ड किया, और उसके बाद तो जांपा ने ऐसा तूफान लेके आए ना अपना कि कुशल मेंडिस, समर विक्रमा, करुणा रत्ने और थिक्षाना, इन सबको ना टोटल मिलाकर 10-20 रन के दायरे के अंदर आउट कर दिया। असलंका ने प्रयास जरूर किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। 209 रन पर दोस्तों ये श्रीलंका की टीम सिमट गई थी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जो बल्लेबाजी क्रम है वो 8वें और 9वें नंबर तक जाता है। दोस्तों, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत हुई तो शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आपको बता दें कि डेविड वार्नर 11 रन पर आउट हो गए तो स्टीव स्मिथ तो शून्य पर निपट गए थे, लेकिन मिशेल मार्श ने सिंगल हैंडेडली जीतने की सारी उम्मीदें जगा दी थी। 51 गेंदों के अंदर ये 52 रन बना चुके थे। उधर मार्नस लबुशेन भी मैदान में आकर अब 23 रन, तो इंग्लिश ने भी 13 रन बना दिए थे। जीतने के लिए दोस्तों अभी लगभग 30 से 35 ओवर पड़े थे और बनाने थे मात्र 111 रन, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई रोक नहीं पाया और जीत गई ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को। ये जीत दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। अब ये तूफान पाकिस्तान को भी कुचल कर रख सकता है, लेकिन दोस्तों स्टीव स्मिथ ने भारत की धरती पर पहला मुकाबला जीतने के बाद क्या कहा भारत के लिए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने कहा, ये जीत हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। आज तक विश्व कप में ऐसा हुआ नहीं कि हमारी टीम ने परफॉर्म किया और लगातार हम बैक टू बैक अपने सभी मुकाबले हारे हों। श्रीलंका की टीम के खिलाफ ये मुकाबला हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका था। दो में से दोनों मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी खिलाड़ियों का मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन हम भारत में खेल रहे थे, शायद इसलिए हिम्मत नहीं आ रही। हार के बावजूद भी मुझे याद है, हम जिस भी मैदान में गए ना, हर एक भारतीय फैन ने हमारा समर्थन किया। यहाँ पर जो हमें चाहने वाले हैं वो हमें ये कहते रहे कि आप बेहतर करेंगे, और यकीन मानिए उसी समर्थन से हमारी टीम के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस वापस आया है। श्रीलंका की टीम को हरा कर आज हमने न केवल एक जीत दर्ज करी है, बल्कि अपने आप को जिंदा किया है, और इसमें सभी खिलाड़ियों के बराबर की मेहनत है। गेंदबाजी अच्छी थी और बल्लेबाजी ने भी हमारे विकेट्स गिरते हुए माहौल को संभाला और टीम को जिताया भी। मिशेल मार्श की बल्लेबाजी शानदार थी, लेकिन इस जीत का श्रेय ना कहीं मैं भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय बोर्ड को देना चाहूंगा, क्योंकि जितना आईपीएल हमने भारत में आकर खेला है ना, उस अनुभव का फायदा आज हमें विश्व कप में हो रहा है। तहे दिल से शुक्रिया भारतीय फैंस का और भारतीय टीम का। उम्मीद है जल्दी भारतीय टीम से दोबारा मुलाकात होगी और मैच कांटे की टक्कर का होगा। दोस्तों, स्टीव स्मिथ इस टीम के पूर्व कप्तान है। इस जीत के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि दोस्तों वाकई में ऑस्ट्रेलिया की टीम का हाल बेहाल था। अब वो जीत चुके हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में कौन इस वर्ल्ड कप को जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने दिया भारत पर दिल दहला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग घमंड में चूर हो गए और उन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए भारत को धमकाया और भारत के खिलाफ एक ऐसा जहरीला बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार रिकी पोंटिंग ने
ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भारत को लेकर क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन जीतेगा, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा की आपको पता है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच लखनऊ के मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवर में 209 रनों पर ऑल आउट होकर अपने सभी विकेट दे दिए थे। इस दौरान निशंका ने 61 और परेरा ने 78 रनों का योगदान दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में एडम जाम्पा ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं स्टार्क और कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर आई तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्श के 52 और इंग्लिश के 58 रनों के कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आसानी से इस मैच को 35.2 ओवर में 5 विकेट खोने के साथ 5 विकेट से जीत लिया, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप की पहली जीत मिल गई। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग का भारत के खिलाफ हैरान कर देने वाला बयान आया, जिसमें रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम के खिलाफ हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। शुरुआत के 22 ओवर के अंदर हमारी टीम ने काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना किया, लेकिन आगे जिस तरीके से हमारी टीम ने शानदार वापसी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए श्रीलंका की टीम को ऑल आउट किया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे ही चैंपियन टीम नहीं बनी है, उसके अंदर एक अलग काबिलियत है जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम को चैंपियन बनने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी की है। उन्होंने बेहतर गेंदबाजी करते हुए बताया कि श्रीलंका की टीम की गेंदबाजी से बेहतर गेंदबाजी इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने पिछले 2 मैचों में की गई खराब गलतियों को इस मैच में नहीं दोहराया और एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाफ इस शानदार मैच में जीत हासिल की और वर्ल्ड कप के जीत के साथ अपना खाता भी खोला। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम को पहले 2 मैचों में बुरी तरीके से भारत और साउथ अफ्रीका ने हराया, जिससे हम निराश हो गए, लेकिन अब अगर हमें मौका मिलता है तो हम भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और दोनों टीमों से अपना बदला पूरा करेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम हर बार की तरह इस बार भी चौक कर जाएगी, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, और ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम से हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम बदला नहीं ले पाएगी, लेकिन हम अपना पूरा का पूरा बदला भारत से लेने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया। भारतीय टीम से हम वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हारे हैं और वर्ल्ड कप की खराब शुरुआत भी भारत के खिलाफ हार के साथ मिला। ऐसे में अब भारत को हराने के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। ऐसे में भारत को सेमीफाइनल या फाइनल में मिलकर हराएंगे और भारत को हरा कर उसकी सही जगह दिखाएंगे और इस बार के वर्ल्ड कप को अपने नाम करते हुए पूरी दुनिया को एक बार फिर से जीत लेंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच देखने को मिल सकता है या नहीं, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैन ऑफ द मैच बने जाम्पा और साथ ही साथ मैक्सवेल ने तो धांसू प्रदर्शन किया ही, लेकिन दोस्तों एक दूसरे को अवार्ड देने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने ना भारत के लिए पाकिस्तान को भी हराने पर कुछ ऐसा कह दिया है कि सब इनको सलाम कर रहे हैं। आखिरकार मैक्सवेल और जाम्पा ने इस जीत के बाद क्या कहा, खास तौर पर मैक्सवेल का बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है मैक्सवेल, बाबर आजम और हार्दिक पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया, कहने को तो ये 14 मुकाबला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को अभी भी जीत की तलाश थी और श्रीलंका को भी। दोनों टीमें दोस्तों इस टूर्नामेंट का अपना अपना तीसरा मुकाबला खेल रही थी, लेकिन जीत का चेहरा अभी तक दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा था। और दोस्तों आज दोनों में मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा ये तो सब सोच ही रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक तरफा बना के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से दोस्तों पहले गेंदबाजी का मौका श्रीलंका ने ही उन्हें दे रहा था और गेंदबाजी वाकई में कमजोर पड़ गई थी ऑस्ट्रेलिया की, जब निशंका और कुशल परेरा ने मिलकर 120 रन ना पहले 20 ओवर में बना दिए थे, लेकिन फिर जैसे ही कमिंस ने इन दोनों को आउट किया, एडम जाम्पा ने तो धाराशाही करके रख दिया श्रीलंकाई टीम को अपने हाथों से। कुशल मेंडिस को इन्होंने 9 रन पर आउट किया, समर विक्रमा को 8 रन पर LBW कर दिया और दोस्तों इतने नहीं करुणा रत्ने जैसे खिलाड़ी को भी जाम्पा ने 2 रन पर थिक्षाना को 0 पर निपटा दिया था। 4 विकेट लेने वाले जाम्पा गेंदबाज बन गए इस मैच में और इसी के चलते बीच में कोई कुछ खास कर नहीं पाया, जिसके चलते ये टीम 209 रन ही बना पाई और जीतने के लिए 210 रन का टारगेट मिला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और जिस टीम का बल्लेबाजी क्रम 7-8-9 नंबर तक होना, उसके सामने लक्ष्य कुछ भी नहीं, भले ही वो इस टूर्नामेंट के पहले 2 मैचेस हार चुकी हो। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल वैसा ही किया, शुरुआत तो उनकी भी अच्छी नहीं थी,
डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ 10-11 रन के दायरे के अंदर आउट हो गए थे, लेकिन मार्नस लबुशन की 40 रन की पारी और 52 रन की मिशेल मार्श की पारी जीत की बुनियाद सेट कर चुकी थी। बस आपको जिताने वाला चाहिए था। इधर इंग्लिश ने भी दोस्तों अपना हाफ सेंचुरी लगाया, लेकिन असली मजा आया मैक्सवेल की पारी को देखने में। दोस्तों वनडे को T20 बनाने वाले मैक्सवेल ही तो हैं। 21 गेंदों के अंदर 4 चौके 2 छक्के ठोककर 147 के स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने 31 रन बनाए, तो स्टोइनिस भी 10 गेंदों में 20 रन जड़ गए और जीत गई ऑस्ट्रेलिया की टीम 36वें ओवर में इस मैच को 5 विकेट के अंतर से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तो जीत गई, लेकिन श्रीलंकाई टीम को तगड़ी हार मिली है।